बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, आज हम गुफ्तगू करेंगे गिना के बारे में। मौसीकी, गिना, गाना बजाना, ये तमाम चीज़ें तकरीबन मुश्तरकात हैं और इनमें कुछ चीज़ें बिल्कुल हराम हैं, जैसे गाना बजाना। बाकी मौसीकी और गिना की तारीफ़ करेंगे, आयात और रिवायात से इसकी हुरमत साबित करेंगे और कौन सी मौसीकी जो है वो जायज़ है, हलाल है, और कौन सी हराम है, इसमें इंशाल्लाह तफसीली तौर पर डिस्कस करेंगे। जो लोग कायल हैं कि हलाल है, उनके पास कोई हलाल होने की मुस्तनद दलील मौजूद नहीं है और फिक्का जाफरिया में मुतफिक का तमाम तफसीलात में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी ताज़ा तरीन वीडियोस आप तक फिक्का तौर पर मौसीकी गिना जो है हराम है। जो हराम है उसमें इंशाल्लाह हम तफसील जिक्र करेंगे और जो हलाल है उसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन गिना हराम है, ये नहीं है कि गाना बजाना और ये तमाम चीज़ें हलाल हैं, ऐसा फिक्का जाफरिया में किसी आलम मुज्तहिद के नज़दीक कंसेप्ट नहीं है। और जो रिवायात हैं अहले बैत अलैहिस्सलाम से, उसमें भी काफ़ी वजाहत मौजूद है। वसाइल शिया किताब मोमिनीन को उर्दू तर्जमा मौजूद है, अरबी में है, उसको मुतालिया करते रहना चाहिए क्योंकि वो काफ़ी जामे किताब है हमारी फिका की और उसमें काफ़ी रिवायात मौजूद हैं और काफ़ी उसकी जिल्दें हैं। मोमिनीन को चाहिए कि हदीस अहले बैत के साथ मरबूत रहना चाहिए। कुरान करीम की सूरह लुकमान की आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मैं वमिनन्ना से मैं यश्तरी लहवल हदीस ले युदिल्ला अन सबीलिल्लाह, कि वो लोग जो लहव व लाब का कलाम ख़रीदते हैं वो अल्लाह की राह से गुमराह हो जाते हैं। लहव व लाब यानी कि यही कलाम जो अल्लाह की राह से भटका के आपको गुनाह की तरफ ले जाता है, जिना की तरफ ले जाता है, शराब नोशी की तरफ ले जाता है, ऐसी चीज़ें करने से अल्लाह ने मना फरमाया है। और यहाँ मुफस्सरीन और आइम्मा अलैहिस्सलाम ने इस आयत की तफसीर यह बयान फरमाई है कि इस आयत से मुराद गिना है। फिर एक मकाम पर इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि गिना जो है वो जहन्नम की तरफ इंसान को धकेल देता है। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि गिना जो है वो उश्शुन निफाक है, यानी कि निफाक की आमाजगा है। इसी तरह फरमाया गया है कि अल गिना अशद्दु मिनज़्ज़िना, कि गिना जो है वो जिना से भी ज़्यादा शदीद है, इसकी ज़्यादा मजम्मत है। इस वजह से क्योंकि गिना जो है वो आपको रास्ता देता है गुनाह की तरफ। तो गिना की तारीफ़ क्या है? गिना ये है वो ख़ास धुनें और सुरें जो ये लोग अहले फिस्क व फजूर इस्तेमाल करते हैं इंसान के जहन को और उसकी कैफियत को तब्दील करने के लिए कि वो खुदा के रास्ते से और अपनी नॉर्मल कंडीशन से दूसरी दुनिया की तरफ मुंतकिल हो जाता है। जैसे इश्क मशूकी मोहब्बत ज़ाहरी तौर पे किसी इंसान की नामहरम की हराम की तरफ लेके जाना और उन आवाज़ों को इस तरह फेरना कि इंसान का जहन उनकी तरफ रागिब हो और दूसरी तरफ से और खुदा की तरफ से वो उसका जहन हट जाए, खुदा की तरफ से आपको हटा दे कलाम और आपको दुनिया की तरफ और गुनाह की तरफ रागिब करे। उसमें जो सुरें और ये जो गले में उस आवाज़ को फेरा जाता है ये जायज़ नहीं है और ये वो गिना है जो हराम है। किसी भी ज़बान में हो, किसी भी ज़बान में गिना हो, गाना बजाना हो, ये जो लहव लाब का कलाम है उसकी जो ख़ास धुनें और सुरें हैं उनका बजाना, उनके बग़ैर अपनी आवाज़ को फेर के ये कलाम पढ़ना और ये जो अल्लाह की तरफ से आपको हटा के आपको गुनाह की तरफ रागिब कर दे, तो वो कलाम जायज़ नहीं है, चाहे उसमें आलात इस्तेमाल हों या ना हों। हत्ता के मासूम फरमाते हैं इन सुरों पर आप कुरान की तिलावत भी नहीं कर सकते, हम्द व सना भी नहीं कर सकते, नात भी नहीं पढ़ सकते। यानी कि ऐसा आवाज़ को फेरना, जिस तरह हमारे बाज़ खुतबा ज़ाकिरीन, खुतबा नहीं कहना चाहिए उनको, ज़ाकिरीन जो हैं वो कसीदा पढ़ते हुए इतना लंबी आवाज़ें खींचते हैं और आ हू करते रहते हैं कि तीन तीन चार चार मिनट वो करते रहते हैं और नीचे से नारे बुलंद होते रहते हैं। तो खौफ खुदा करना चाहिए, ये मिंबर हुसैन अलैहिस्सलाम है, यहाँ इसलिए नहीं बुलाया जाता कि आप ये आवाज़ें निकालें। और अहले बैत को नफ़रत थी कि अपनी सुरों को, आवाज़ों को गानों की तर्ज पे लें और लहव लाब की तर्ज पे लें और उस पे ज़िक्र अहले बैत को फिट करें और नीचे से जो नौजवान तबका बैठा होता है बाज़ वो फिर वही गाना दोहरा रहे होते हैं। तो ये गुनाह है और ऐसा करना जायज़ नहीं है। आलात इस्तेमाल ना भी हों तब भी ये सुरें जो हैं इनका इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है। और वो आलात
जो ख़ास इन सुरों के लिए इस्तेमाल होते हैं, गिटार है जिसे वायलिन कहा जाता है, और ये जो है पियानो वगैरह, और ये ख़ास आलात जो इन सुरों के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी उनको बजाया ही इसलिए जाता है कि ये सुरें पैदा हों तो ये इनका इस्तेमाल, और वो सुरें निकालना इससे जायज़ नहीं है। गाना बजाना, सुनना, गाने की अकसाम और इसमें ख़रीदो फरोख्त, गाने के आलात जो ख़ास आलात हैं, बाकी अमूमी टेलीविज़न वगैरह, और आप ये जो मसलन के मोबाइल, रेडियो, ये ले सकते हैं, इसमें कोई इश्काल नहीं है, लेकिन जो ख़ास आलात गिटार, पियानो वगैरह, ये ख़ास आलात हैं गाने के, उनकी ख़रीदो फरोख्त भी जायज़ नहीं है। अब यहाँ वाज़े हो गया कि वो सुरें जिनको लहव व लाब में इस्तेमाल किया जाता है, गाना गाने खसूसन, और उस उन तर्ज़ों पर बाकी कलाम को पढ़ा जाता है, वो जायज़ नहीं है। और इसी तरह अगर मिंबरों पे, कसीदों में इन आवाज़ों को फेर फेर के पढ़ा जाता है उन सुरों पर और उन तर्ज़ों पर, तो ये भी जायज़ नहीं है। जो जायज़ है, यानी बग़ैर आवाज़ फेरे, बग़ैर उन धुनों पर, उन सुरों पर कलाम को फिट किए, बग़ैर आप अच्छी आवाज़ में हमद पढ़ते हैं, नात पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, मिली नगमा पढ़ते हैं, कसीदा पढ़ते हैं, और उसमें दफ़ वग़ैरह, ढोल वग़ैरह, ये चीज़ें अगर इस्तेमाल होती हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। जैसे फ़ौजी परेड है, उनके ख़ास आलात हैं, इसी तरह तराना है, इसी तरह मिली नगमा है, इसी तरह कसीदा है, इसी तरह आज़ादारी में कुछ आलात इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उनकी ख़ास एक तर्ज है, और वो आलात ख़ास नहीं है गिना के लिए, तो उन आलात का बजाना इस गर्ज के साथ, ये नात है, हमद है, तराना है, मिली नगमा है, ये जायज़ है, ये सुन भी सकते हैं और कह भी सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मबना वही है, एक जो मरकज़ी चीज़ है जो लोगों को वाज़े नहीं होती, वो आवाज़ को तब्दील करना, फेरना और उन सुरों का इस्तेमाल करना, ये जायज़ नहीं है। उन चीज़ों पर आप चाहे अच्छे कलाम को फिट करें या बुरे कलाम को फिट करें, दोनों सूरतों में वो सुरें और उनका इस्तेमाल जायज़ नहीं है। बग़ैर आवाज़ को फेरे, उन धुनों को इस्तेमाल किए, आप जो भी चीज़ इस्तेमाल करेंगे, अच्छा कलाम पढ़ेंगे, ज़िक्र खुदा करेंगे, ज़िक्र अहले बैत करेंगे, मिली नगमा तराना पढ़ेंगे, तो वो जायज़ है और उसमें कोई इश्काल नहीं है। मोमिनीन समूह तमस्सुम, मुझे मेरे और बच्चों को, वालदैन को दुआओं में याद रखा करें।